अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको बता दें कि एक राशन कार्ड से आप 8 बड़े फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि घर मकान से लेकर सामान तक आप अपने राशन कार्ड से फ़ायदे उठा सकते हैं, 8 बड़े लाभ ले सकते हैं। हालांकि राशन कार्ड धारकों को यह मालूम नहीं है कि वह अपने राशन कार्ड से कौन कौन से फ़ायदे ले सकते हैं, किन किन फ़ायदों का लाभ राशन कार्ड धारकों को मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही जानकारी देने जा रहे हैं कि कौन कौन से लाभ आप राशन कार्ड से ले सकते हैं और किन व्यक्ति को यह लाभ मिलेंगे, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप एक राशन कार्ड लाभार्थी हैं तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है। इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने खाने तक की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और इन लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भारत सरकार फ्री राशन मुहैया कराती है। सरकार फ्री अनाज, गेहूं, दाल, चीनी, नमक इत्यादि दे रही है। इसके साथ साथ राशन कार्ड से और भी कई बड़े ज़बरदस्त लाभ दिए जा रहे हैं। कौन कौन से लाभ हैं, 8 बड़े लाभ हम आपको एक एक करके बताएंगे, जिसमें आप भी अपने राशन कार्ड से वह लाभ फिर ले सकेंगे। अब किन किन लाभों का फ़ायदा आपको मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। देखिए, राशन कार्ड से होते हैं 8 बड़े फ़ायदे। पहला, फसल बीमा को लेकर आप अपने राशन कार्ड से लाभ ले सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो आप फसल का बीमा करा सकते हैं। अगर कोई फसल नष्ट हो जाती है तो उसका जो भी हर्जाना होगा वह सरकार देती है। वहीं फ्री LPG गैस सिलेंडर आप अपने राशन कार्ड से ले सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक, यानी कि अगर आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप बिल्कुल फ्री में कनेक्शन ले सकते हैं राशन कार्ड के जरिए। वहीं विश्वकर्मा योजना का लाभ आप राशन कार्ड के जरिए ले सकते हैं। और सिलाई मशीन, जी हाँ, बिल्कुल फ्री में ही सरकार सिलाई मशीन दे रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड के जरिए आप फ्री सिलाई मशीन ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना में आप राशन कार्ड से आवेदन कर सकते हैं और साथ ही घर के लिए, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री की योजना से, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अगर आपने नहीं लिया है तो आप अपने राशन कार्ड के जरिए आवेदन कर सकते हैं और फ्री में ही घर प्राप्त कर सकते हैं, जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब बात करते हैं किन व्यक्ति को यह लाभ मिलेगा उसके बारे में। देखिए, इसके साथ ही श्रमिकों को भी राशन कार्ड से लाभ दिया जाता है और फ्री राशन तो देश के करोड़ों किसानों को मिल ही रहा है। अब यह लाभ किन लोगों को मिलेगा उसके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। भारत में राशन कार्ड के कई प्रकार होते हैं जो लोग की ज़रूरत और उनकी इनकम के आधार पर बनाए जाते हैं। इसमें एक राशन कार्ड ऐसा भी है जहां लोगों को आर्थिक फ़ायदा और किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन ऊपर करते हैं ऐसे व्यक्तियों को राशन कार्ड के जरिए लाभ नहीं दिया जाता है। देखिए, राशन कार्ड से पहचान साबित करने के लिए यह दस्तावेज बनाया गया है। इसमें आप फ्री राशन ले सकते हैं, कई बड़े लाभ ले सकते हैं और एक पहचान के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बाकी राशन कार्ड पर लोगों को अलग अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप भी इन तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, अपने राशन कार्ड से आवेदन आप कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें,
शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।